खास ले 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 गए 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 ले बेट खास तो करी यार। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड नाउ इस वीडियो में आपको ओवरऑल अंदाज़ आ गया होगा कि क्या दिखने वाला है। सो 21 एडिशन का फुल्ली लोडेड हिमालयन आज हम लोग देखने वाले हैं और इस बाइक को थोड़ा सा समझेंगे। पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इस बाइक को चला नहीं पाएंगे हम लोग, इसका राइड रिव्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक शोरूम व्हीकल है और ये टेस्टेड व्हीकल नहीं है, तो हमें इसको रोड पे चलाने की परमिशन नहीं मिली है। स्पेशल लोकेशन पे शोरूम ने हमें ये डिलीवर कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग उसका एक शॉर्ट वीडियो टाइप बना सकते हैं। तो मैं आपको इस बाइक के बारे में ओवरऑल सब चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके अलावा क्या क्या एसेसरीज इसमें अभी माउंट की हुई क्योंकि फुल्ली लोडेड हिमालयन है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली बाइक पर चलते हैं। So here we have the Royal Enfield Himalayan 2021. So क्या नया है इस बाइक में, क्या क्या फीचर्स है इस बाइक में, चलिए इन डिटेल समझते हैं। इस बाइक में ये फुल्ली लोडेड बाइक है, काफ़ी सारी एसेसरीज इस पर ऑलरेडी लगी हुई है, तो चलिए चेक करते हैं एक बार, एक एक चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें नई मिलने वाली है, और हम ट्राई करेंगे कि कंपेरिजन वीडियो भी और पुराने और नई हिमालयन का लाइव। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले टायर से कि टायर साइज़ कौन सी हमको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90, 90, 21 के टायर्स मिलते हैं और ये सेगमेंट में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हिमालयन में इतने वाइड टायर्स फ्रंट में हमको मिल जाते हैं, जिससे हम ऑफ रोडिंग बड़े ईजी तरीके से कर सकते हो। कलर स्कीम आप देख सकते हो, दिस इज़ अ न्यू ऑल ब्लैक कलर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे रेंडर किया गया है, बहुत बढ़िया लुक ये दे रहा है। अभी इसमें जो आप हज़ार लाइट्स भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया एक फिट एंड फिनिश देता है। यहाँ पर पैनियर्स जो कि आप ये देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा एसेसरीज है रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये दिए गए। और पीछे के टायर्स हम लोग एक बार चेक कर लेते कि पीछे यहाँ पर हमें कौन से टायर्स मिलने वाले हैं। सो हियर वी हैव द रियर टायर्स आर 120, 90, 17, यहाँ पर 17 के पीछे के टायर्स मिलने वाले हैं, और ये भी ऑल टेरेन सीएट के टायर्स है जो कि आगे भी सेम टायर हमको मिलने वाला है, और यहाँ पर नकल गार्ड स्टॉक यहाँ पर मिलने वाले रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ओके गाइस, सो यहाँ पर इस बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा अपग्रेड जो है नए हिमालयन में, वो है ये वाला कंसोल। तो चलिए कंसोल को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कंसोल में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू कर देते हैं बाइक को, और ये हज़ार लैम्प्स के जो लाइट्स है वो आपको यहाँ पे दिख गई होगी, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट भी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा ये इंजन लाइट है जो अभी ऑफ है क्योंकि बाइक एकदम फ्रेश है। बैटरी लाइट यहाँ पर आ गई, ये एबीएस है, यहाँ पर एबीएस को आप स्विचेबल भी रख सकते हो, और ये जो लाइट यहाँ पर ब्लिंक आई डोंट नो नहीं हो रही है, ये वाली जो लाइट है वो पासिंग लाइट्स यहाँ पर आने वाली है। दिस इज़ योर एनालॉग स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलने वाला है जहाँ पर आप गियर शिफ्टिंग देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है, टाइम, ट्रिप्स, ये सब यहाँ पे दिखने वाला है। ये आपका फ्यूल गेज यहाँ पे हो जाने वाला है, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है। काफ़ी सारे हिमालयन यूज़र्स की बेसिकली कंप्लेंट रहती है कि ये नॉर्मली गलत दिखाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज मैंने कभी हिमालयन यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, तो मुझे इसके बारे में तो डिटेल में नहीं पता है। ये हमारा हो गया आरपीएम मीटर, और ये जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये है आपका नेविगेशन डिस्प्ले। यहाँ पे आपको पूरा नेविगेशन दिखने वाला है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आप गूगल से फ़ोन आपका कनेक्ट कर सकते हो, गूगल से भी ये दिख सकता है। ओके, सो ये जो नेविगेशन मीटर है, इसको यूज़ करने के लिए आपको रॉयल एनफील्ड की ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद आपका फ़ोन ऐप से कनेक्ट करने के बाद ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको दिखाने वाला है। और इस तरह के बाइक में ऐसी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप टूरिंग करते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट फीचर बाय रॉयल एनफील्ड
कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने डाला है। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्लासिक जो नया वाला आया उसमें भी एक ऑप्शन है कि आप ये वाला कंसोल डायरेक्टली उसमें लगा सकते हो, जो बड़ा सा एक आपको फोटो में दिख रहा होगा कि बड़ा सा जो एक था उसमें आप ये चीज़ लगा सकते हो। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुराने और नए बाइक में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक इसके डिस्प्ले के, पर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो अलग है वो हम अभी डिस्कशन करेंगे या फिर हम कंपैरिजन वीडियो में उसको ऐड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अलग है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है 14 लीटर्स यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सी एसेसरीज़ यहाँ पर ऐड की गई है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा सॉरी कि मैंने आपको ये बताया कि ये स्टॉक नकल गार्ड्स है, बट ये एक्चुअली स्टॉक नकल गार्ड्स नहीं है, ये आपको अलग से इसमें एज एसेसरीज लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आप लेग गार्ड देख रहे हो ये भी एक एसेसरी का पार्ट है, ये भी आप एसेसरी में लगवा सकते हो। सेकंड चीज़ की बात करें तो ये है पैनियर्स। पैनियर बहुत ही खूबसूरत है, रॉयल एनफील्ड का बैजिंग आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट क्वालिटी लो दिख रहा है। तो सो एक प्राइवेट चॉपर गया, बहुत ही बढ़िया लुक था यार उसका, मतलब कौन सा था मैं गूगल पे देख के आपको बता दूंगा, मुझे भी नहीं था, बहुत ही क्यूट लग रहा था यार, मतलब एक प्राइवेट चॉपर ही था शायद। चलिए बाइक पे आते वापस, चॉपर्स के बाद बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पर पैनियर्स जो आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पैनियर्स यहाँ पर है, मैं एक बार आपको खोल के भी बता देता हूँ। ओके, सो चलिए पैनियर्स को खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि पैनियर्स की जो कैपेसिटी है वो 27 लीटर्स, एक पैनियर 27 लीटर्स की कैपेसिटी रखता है, ऐसे दो पैनियर्स आप लगा सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पर कैरी करने वाले हो। और ये क्वालिटी यार, आई एम इम्प्रेस विद द क्वालिटी। वैसे मेटल है पूरा का पूरा, यहाँ पर की लगाई हुई है, ये पूरा लॉक सिस्टम है, यहाँ पर ये लॉक आप देख रहे हो, ये पूरा लॉक सिस्टम है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 kg तक एक पैनियर में आप वेट रख सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ आई गेस। और यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर्स भी है जो कि आप पैनियर्स पे लगा सकते हो ताकि ये रिफ्लेक्ट करे और पीछे जो भी आ रहा है उसको, ये मेरा थोड़ा माइक का वायर दिख गया आपको, कोई बात नहीं। सो वो भी यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसके साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। सो बहुत सारी गाय है यहाँ पर, मैं काफ़ी गाय तो मैंने भगा भी दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू 21 एडिशन हिमालयन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, पर फिर भी आपके लिए अभी मैं जो लास्ट वर्जन जो हिमालयन था वो भी मैं मंगवा लेता हूँ, तो चलिए उसको ही ले आते हैं। ओके एवरीवन, सो एज यू कैन सी यहाँ पर दोनों ही हिमालयन साइड बाय साइड मैंने रख दिए, दोनों ही आपके सामने। एक ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये 2020 एडिशन है, और ये जो ब्लैक वाला है वो हमने अभी जो आप जिसके बारे में आपको बताया, दिस इज़ द 21 एडिशन। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि मेजर चेंजेस जो इस दोनों की बाइक की अगर बात करें तो एक सबसे पहले तो कंसोल में, तो मैं एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर कंसोल में आपको ये एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और वही आप अगर यहाँ पे आते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली। उसके अलावा एक चेंज मुझे दिखा अलग से, वो है ये आपको प्लेट थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव किया हुआ मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वो नहीं है, ये आपको शायद अलग से ही लगाना पड़ेगा। सो ये ही दो मेज़र चेंज मुझे लगे, इसके अलावा तो मुझे कुछ चेंज नहीं लगा। इंजन भी सेम है, पावर भी सेम है, फ्यूल टैंक भी सेम है, हाइट वगैरह वेट वगैरह सब कुछ सेम है। डिटेल में आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई वो आपको जेन्यून लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो ये वीडियो यहीं तक था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हिमालयन के बारे में और भी कुछ जानना है, और भी कुछ समझना है, या आपको कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट करो नीचे। और बाकी कोई भी बाइक के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हम उस बाइक को वीडियो में आपके लिए ला सके। और काफ़ी अच्छे और भी वीडियोस आने वाला। और एक और चीज़ मैं खास आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो यू गाइज़ आर माई रियल फॉलोअर्स, रियल वेल विशर्स। तो चैनल बहुत टाइम से डाउन था गाइज, तो उसकी वजह से यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से व्यूज़ ज़्यादा नहीं कैच कर पा रहे हम लोग। सो यहाँ पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करें, ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा तो कर देना है। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरी चैनल को, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बहुत टाइम से चैनल बंद होने की वजह से एल्गोरिथम बहुत ही स्लो कर दिया है, मेरे व्यूज़ ही नहीं ज़्यादा आ रहे, मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ फिर भी। सो दैट बीइंग सेइंग, थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल।
टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।